Hi guys, today we will be explaining in detail our new Stealth series saddlebag. So these luggages are हमने थोड़ा ऐसा हिसाब किया है कि जिनको ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना है ये थोड़ा उनके लिए है, लेकिन लुक्स और यूटिलिटी भी हम लोग जितना इसमें दे सके उतना हमने दी है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं स्टेल्थ सीरीज साइडल बैग। तो दिस इज़ अ नॉर्मल स्टेल्थ सीरीज साइडल बैग। इसमें आपको आगे की तरफ एक कंपार्टमेंट मिलेगा फॉर नॉर्मल जेनेरिक स्टफ। ये राइट साइड का बैग है, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट एड किट का सिंबल दिखेगा। इस बैग में एक फर्स्ट एड किट भी इंक्लूडेड है। आप इस बैग को जब खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसी पट्टी दिखेगी। इसके अंदर आप आपका एक छोटा टूल किट वगैरह ऑर्गेनाइजर टाइप स्टफ आप कैरी कर सकते हो। यहाँ पे जो वेलक्रो का पट्टा दिया हुआ है इसमें आप आपका पर्सनल डिटेल्स हो, नाम, फ़ोन नंबर, इन केस ऑफ इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप प्रिंट करके लगा सकते हो। सो इन केस ऑफ एक्सीडेंट दे रिमेन सेफ एंड एनीवन हु फाइंड्स यू नोज हु टू कॉन्टैक्ट इन केस दे फाइंड यू लाइक दैट। इसमें आपको दो रेन कवर हर एक बैग में एक इंक्लूडेड रहेगा। दिस इज द इंटरनल स्पेसिंग। बीच में यहाँ पे एक फाइबर की स्ट्रिप रहती है चेन के जिपर्ड कंपार्टमेंट में, जो अगर आपने स्टोर में आप अगर कभी लेने को गए तो ये आपको पूरा असेंबल्ड ही मिलेगा। ऑनलाइन वगैरह अगर आपने ऑर्डर किया हो तो ये स्ट्रिप जो है वह बाद में आपको डालनी पड़ेगी। इट्स इजी, जस्ट स्लिप इट। यहाँ पे दो स्लीव्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एंड तक वो फाइबर की स्ट्रिप जाती है और वहाँ पे फिट हो जाती है। फिर यहाँ से ऐसे पकड़ के आप धीरे धीरे उसको प्रेस फिट करते जाइए तो यहाँ तक वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ एंड रहेगा उसका। यहाँ पे अंदर की बाजू जो पैडिंग है वो हमने पहले ही डाल के रखे हुए रहते। इसमें आपको दिखेगा एक बाजू आपको 5 mm हिटलॉन है, बीच में कार्बन फाइबर की पट्टी है और इसके ये बाजू में 10 mm हिटलॉन है। तो शेप रिटेंशन के लिए दिस गोज परफेक्टली। पीछे की साइड यहाँ पे आपको डबल डी के लॉक्स दिखेंगे, सिंगल डी डबल डी दोनों टाइप के लॉक्स हैं। यहाँ पे हमारे एलएल बक्कल के आपको लॉक्स दिखेंगे जो बाइक पे बैग फिट करने के लिए यूज़ होंगे। दिस इज़ ऑल कोरोगेटेड रबर। ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सब फ्रिक्शन और साइडल स्टे को घिसना वगैरह जहाँ पे होता है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने रबर फैब्रिक दिया हुआ है। नीचे से भी आपको रबर फैब्रिक दिया हुआ है पूरी तरफ से। तो जो अपने स्टोन्स वगैरह रहते हैं, छोटा कभी बहुत थोड़ा बहुत क्रैश हो जाता है, एग्जॉस्ट का हीट रहता है, उससे आपके बैग का रेजिस्टेंस बचाने के लिए ये हमने पूरा एंड टू एंड दिया हुआ है। द बैग इज एक्सपांडेबल, टोटल कैपेसिटी बीइंग अराउंड 70 liters। यहाँ पे आपको एक्सपांशन का जिप मिलेगा, तो YKK 8 number का जिपर है ये, तो ये बैग आपका एक्सपांड भी हो जाता है। यहाँ पे हमने एक्सपांशन पे भी रिफ्लेक्टिव यहाँ का कंटिन्यू किया हुआ है ताकि अगर पीछे से कोई आ रहा हो तो उसको हमेशा आपकी बैग का एज जो है ओवरटेक करते टाइम ये हमेशा इसकी वजह से विजिबल रहेगा। एंड यहाँ पे आपको जो पाइपिंग दिख रही है सिल्वर कलर की, दिस इज़ ऑल्सो 3M रिफ्लेक्टिव। ये प्रिंटिंग जो है वो भी रिफ्लेक्टिव में है, यहाँ पे हमारा लोगो लगा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज द बैग इन टोटल। यहाँ पे आपको एक वाटर बॉटल का कंपार्टमेंट दिखेगा, यहाँ पे आप अपनी पानी की बोतल वगैरह ऐसी चीज़ें रख सकते हो। इसको आपको स्नैप बकल से आप उसको लेके लॉक कर सकते हो। यहाँ पे दो लूप दिए हुए हैं जिनसे पोस्ट यूज के बाद आप आइदर ये बैग ऐसा ब्रीफकेस की तरह भी कैरी कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो लूप दिए हुए हैं उसमें एक बेल्ट जाता है, डॉग हुक कहते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसको। तो ये ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, तो बाद में आप इसको कैरी कर सकते हो। हर एक बैग में हमको
ऐसे लूप लूप बेल्ट आपको 6 मिलेंगे। आपको एक्चुअली 3 से ऊपर नहीं लगते पूरी बैग बांधने को, दो साइड्स में और एक पीछे की बाजू से। बट कुछ बाइक्स जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर किसी को अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरली बांधना है तो वो हिसाब से हमने बेल्ट दिए हुए हैं, और एल्स यू कैन जस्ट कीप देम एज स्पेयर्स। तो हर बैग में आपको एक फर्स्ट एड के, दो रेन कवर, और ये 6 लूप 6 स्ट्रैप्स एंड दो अपने के पोस्ट यूज के ऐसे कैरी बेल्ट मिलेंगे। तो बेसिक बाद में तो हमको बाइक पे आपको बैग लगा के दिखाएंगे ही ये एक्चुअल कैसे लगता है। दिस मनीष वाज बाय फार द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैपिंग सिस्टम वी हैड मेड। मतलब डिजाइन करने के लिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। अच्छा, आपको अभी बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये डिजाइनिंग इसका दिमाग काफी लगा है इसके लिए क्योंकि ये टाइप के बैग यूज करने वाले राइडर्स की एक बहुत अलग मेंटालिटी रहती है। ये भी दिस बाय यूजुअली यूज्ड ऑन KTM एंड दैट सॉर्ट ऑफ बाइक्स, अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट बाइक्स और लेट्स से स्पीड ड्रिवन बाइक्स। करेक्ट। ये बाइक्स यूज करने वाले हो की मेंटालिटी थिंकिंग ये अपने स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड वालों से बहुत अलग रहता है। उनका मेरे ख्याल से ये भी होता होगा कि एरोडायनामिकली बैग अच्छा होना चाहिए। हाँ, एरोडायनामिक उनको स्मॉल स्विफ्ट करेक्ट क्विक टू कैरी जो चाहिए वो बैठना चाहिए और यूटिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए। ओके, तो वो हिसाब से ही हमने डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी जो स्ट्रैपिंग सिस्टम है ये अपने राइड मार्शल सीरीज से थोड़ी अलग है। तो देख आपको लेट्स एक्सप्लेन टू एवरीवन हाउ दिस स्ट्रैपिंग सिस्टम वर्क्स। आपको दिखेगा कि एक बेल्ट जो है, खाली एक बेल्ट लॉकिंग सिस्टम का, ये अलग साइड से दिया हुआ है। ये साइड पे दो है, ये साइड पे एक है। करेक्ट। सो ये बेल्ट से आप आपका बैग ऊपर जितना खींच सकते हो उतना खींच लोगे। करेक्ट। और एग्जॉस्ट साइड, सो सीन कैसा रहता है, जब जहां पर भी लॉक करोगे आप वहां से वो बैग थोड़ा ज्यादा ऊपर खींचा जाता है। करेक्ट। दैट इज व्हाई दिस इज ऑन द एग्जॉस्ट साइड। ओके। तो बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस करने के लिए बेल्ट दिया हुआ है। बैलेंस करने के लिए दो एंड्स से लॉक होता है। ओके। और एक बाजू जो है सेंट्रल स्ट्रैप, ये सेंट्रल बैलेंस करने के लिए। ओके। तो जब आप इसको इंटरसेप्टर जैसी बाइक्स पे लगाओगे तब ये आपको सेंट्रल स्ट्रैप जो अलग साइड में है वो आपको एग्जॉस्ट से और ऊपर खींचने में जितना चाहिए उतना खींच लो एंड स्ट्रैप इट अप। स्ट्रैप इट अप। ओके। सो ये आपको एक लॉक का साइड जो दिखेगा, दिस इज एक्चुअली टू मेंटेन द लेवल ऑफ द बैग्स। ओके। आप इसको, क्योंकि कैसा रहता है, ये खत्म जहाँ पे होता है बेल्ट वहां से एक्चुअली उसका लेवलिंग शुरू होता है। तो जब आप इसको यहाँ से डालोगे तो बैग आपका और ऊपर खींचा जाता है। करेक्ट। अगर ये नहीं रहता तो आपका लॉकिंग सिस्टम जो है वो यही पे ब्लॉक हो जाता। बराबर। इसलिए ये ऐसे काम करता है। ओके। ओके। तो आप ऐसे लीजिए, इसके दो साइड वाला जो लॉकिंग सिस्टम है जब तक वेलक्रो खत्म हो जाए वहां तक खींचे तो ताकि डालने में आसानी हो। दोनों में से एक बार लीजिए और एक में से। ओके। मतलब जो हेलमेट का डबल डीरिंग है। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट। इट्स इजी, इज इफेक्टिव, इट्स इकोनॉमिकल। ओके। और सब बाइक्स के लिए यूनिवर्सल करने के लिए ये आसान है। आसान है। Same goes for the three sides up. काफी बैग्स आपने देखे होंगे जो सीट के स्ट्रैप वाले बैग्स रहते हैं, सीट के नीचे से जाने वाले। That's right. उनके पास दो ही ऑप्शन, दो ही लूप्स है वो देते हैं, एक आगे का एक पीछे का। तो इसलिए वो काफी सारे बैग्स जो है वो इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल जैसे बाइक्स पे नहीं बैठते बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग इट ओवर द सीट। ओके। आपको कंपलसरी वो सीट के अंदर से ही डालना पड़ता है। तो ये जब आप तीन लगाओगे तब आप आपका बैग सीट के ऊपर से भी स्ट्रैप कर सकते हो। ओके। ओके। डिपेंडिंग ऑन द पिलियन कंफर्ट, या फिर पिलियन है नहीं है उसके ऊपर डिपेंड है। समटाइम्स पिलियन मे नॉट हैव अ चॉइस। ओके। आप इंटरसेप्टर पे लगा रहे हो इवन इफ देयर इज अ सैडल स्टे। ओके। आप सीट के नीचे से ये नहीं ले पाओगे। ओके। इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल एक्सट्रीम अपस्विंग एग्जॉस्ट बाइक्स विद लो एग्जॉस्ट टू सीट एंड रेशो। ओके। ओके। उसको डिस्टेंस कम होगा, बहुत ही कम होता है, तो आपको सीट के ऊपर से लेने में मतलब लेना ही पड़ेगा। आप नीचे से लोगे वो सीधा एग्जॉस्ट को टच करेगा। ओके। ओके। अनदर थिंग इज आपने ये तीनों के तीनों स्ट्रैप्स जो है माउंटेड लाइक अ डबल डीरिंग हेलमेट, राइट? ओके। तो ध्यान में रखना है आपको कि आपको जो तीनों स्ट्रैप है
हेलमेट की डबल डीरिंग जैसे होती है वैसे ही माउंट करना है इसको। सो इट्स इजी ना सर। मुझे मतलब कस्टमर की ओर से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की वारंटी कैसे है और कितनी है, और वारंटी में क्या क्या कवर होता है क्या नहीं होता है। अब हमारा कैसा रहता है, हर प्रोडक्ट की एक साल की आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी मिलती है। ओके। फैब्रिक को कुछ हुआ, चेन, रनर, फिटिंग, बेल्ट को कुछ हो गया, इवन बकल है सर, बकल भी टूट गया तो भी वो सिलाई निकल गया, कभी कभी कारीगर के हाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इंसान है, चाइना से नहीं लाते हम लोग, पूना में बनाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। इन दैट केस आपको एक साल के अंदर एक दो राइड में ही आपको एक्चुअली पता चल जाता है कोई डिफेक्ट हो तो, पर एक साल की हमने पूरी वारंटी देके रखी हुई है। okay. अगर आपका कभी क्रैश होता है, फिजिकल डैमेज होता है, एग्जॉस्ट बर्न होता है, तो खाली आपका हमारा पॉलिसी कैसा है, आपको लाइफ टाइम पोस्ट सेल सर्विस है। okay. क्योंकि हमारा सब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इन हाउस है, बराबर, तो आपको वो पूरा सपोर्ट हम लोगों से रहता है। आपके खाली एक्सपेंस किस चीज का आता है, खाली बैग आपकी लोकेशन, अगर आप पुणे के बाहर हो, आपकी लोकेशन से बैग फैक्ट्री तक ओके उतना ही आपको खर्चा आएगा। बाकी रिटर्न शिपिंग और रिपेयरिंग वो सब हम लोग मैनेज कर देते हैं। ओके ओके, तो रिपेयरिंग का खर्चा भी आप ही उठाएंगे। हाँ। खाली कस्टमर को बैग आपके हाथ में लाके देनी है, बस बाकी सब हम हैंडल कर देंगे। और एक चीज, अगर कोई पुणे से हो तो क्या वो किसी डीलर के पास रख सकता है या डायरेक्टली आप ही को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? बेस्ट वे वुड बी अगर आप फैक्ट्री पे ही आ जाए डायरेक्टली आपके साथ। प्रॉब्लम कैसा रहता है, आप डीलर हमारे पुणे में सब जगह है, बराबर, और मैं अकेला काम करता हूँ, बराबर, तो हर जगह मैं नहीं जा सकता, बराबर, बराबर। डीले आप जिस जगह पे ज्यादा रहेंगे, ज्यादा देर रहते हैं वही जगह पे आएगा, तो वो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात रहेगी। ओके। कभी कभी इतना माइनर होता है कि 5 मिनट में काम हो सकता है। ओके ओके, तो वो खाली डीलर के पास छोड़ो, फिर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बैग लेके वापस जाऊंगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज भी है, एक दिन में तो इतना सब नहीं होगा। मतलब अगर वो लेबल पे जो आपका कस्टमर के लिए, फिर वेबसाइट पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे कस्टमर ने कॉल किया, आपसे कोऑर्डिनेट करके बैग आपको मिल गया, बात खत्म, बात खत्म, बाकी डिस्पैच भी आप ही करेंगे, बैक टू डोर स्टेप कस्टमर के वो आप ही भिजवा देंगे। ओके तो ये वन साइड बैग नहीं बैठने वाला, ये हमेशा बोथ साइड ही रहने वाला है बैग। तो पहले अपनी गाड़ी का सीट खोलिए, ये साइड जो रहती है ये हमेशा यहाँ रहेगी, और ये वाली यहाँ पे। अब आपको ऐसे यहाँ पे डबल डी के लुक दिया, काका तुम्हें ना कहो, तो इससे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेलक्रो पूरा लगे, आप आपके बाइक के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये वेलक्रो जो है वो एडजस्टर है, एडजस्टेबल है पूरा बाइक के हिसाब से, बाइक के हिसाब से आपको उस पर एडजस्ट करना रहता है। ये आपका दूसरा, और ये है आपका तीसरा बेल्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि सीट के नीचे से ही जाए। okay. क्योंकि हर बाइक के लिए वो पॉसिबल नहीं रहता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो टेल टेडे के ऊपर से जाए, टेल टेडे के पीछे से भी जाए, या टेल टेडे के आगे से भी जा सकता है, आगे से भी जा सकता है, बाइक पूरा का पूरा वो बाइक की सीट के हिसाब से डिपेंड है, सबसे डिपेंडेंट है। नीचे के ये जो बेल्ट है जो सीट के नीचे से जाते हैं, इसे शुरुआत में ही पूरा टाइट मत खींचिए, वरना आपका सीट जो है वो बैठेगा नहीं। ओके ओके, इसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो ये आपका बैग बेसिक बैठ गया। अब इसमें आपको जो स्ट्रैप दिए हुए हैं, ऐसे आपको इसमें 6 टायर दिखेंगे, हर बाइक को 6 टायर की ज़रूरत नहीं रहती, मोस्टली आपका 3 टायर में आपका काम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए हुए
हाँ लोग खो रहते हैं कुछ बाइक इतनी कस्टम सैडल्स के रहते हैं ऑड रहते हैं तो वो हिसाब से थोड़ा करना पड़ता है. अगर खो भी गए तो दैट विल बी यूज्ड एज़ स्पेयर. स्पेयर आप जब कभी आप ये बैग लगाओगे मेक श्योर आपके ये जो बेल्ट है ये हमेशा सैडल स्टैक के पीछे या फिर आपकी ये जो फ्रेम है उसके बाहर आए. ये ऐसा लूप बनता है इसका खींच के लो. एक साइड बन गए. एक्स्ट्रा अगर बेल्ट बचे तो इसे ऐसे लूप कर दो. और पीछे के दो बकल के लिए एक ही स्ट्रैप. एक ही स्ट्रैप में हो जाता है. ओके. पर कुछ बाइकर्स को अगर ज्यादा सुपर बाइकर्स वगैरह रहेंगे हाँ, तो वो फिर के हिसाब से वो हाँ साइज अगर बड़ा रहेगा तो दो स्ट्रैप की जरूरत है. ये आपका पीछे का लग गया. एक स्ट्रैप यूटिलाइज हो गया है. एक स्ट्रैप आपका पूरा हो. आगे का जो हिसाब है वो आप इसको इसके बीच में से लीजिए. ओके. सैडल स्टे का जो अपना बीच का ये रहता है उसके बीच में से लीजिए. फिर यहाँ से इसको पहले से खींच लो. ओके. फिर यहाँ पे आपके सैडल स्टे का जो लूप रहेगा वहाँ पे नॉट बंद दीजिए. नहीं एक और है. ओके. पीछे का जो बकल है हाँ. उसमें वो घुमा के वहाँ पे डाल देना. आगे का ही है ये. आगे का ऊपर का. ओके ओके ओके. बॉटल होल्डर के बाजू का. हाँ. ओके. इसमें खाली मुझे एक सवाल है कि अगर किसी गाड़ी को सैडल से नहीं है तो बंदा क्या करे. नॉर्मल कैसे भी बांध सकते हो. मतलब फुटपैक में भी डाल सकते हैं. हाँ फुटपैक में भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेम में भी डाल सकते हो. फ्रेम में डाल दो फुटपैक में डाल दो आप उसको कैसे भी कर सकते हो. बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो आपके ड्राइव ट्रेन मतलब ये साइड में से ये साइड में ड्राइव ट्रेन और व्हील के आसपास ना आए. हाँ उससे दूर रहे. लूज ना रहे. और लूज ना रहे. लूज रहा तो वो टायर में जा सकता है. सीन ऐसा है ना ये बेल्ट और ये फिटिंग सब ये हिसाब से है कि अगर वो टायर में भी गया तो भी आपका बैग नहीं पटने वाला. बराबर. स्ट्रैप उधर जाएगा बैग नहीं पटेगा. और वो हिसाब से ही सब स्टिचिंग और ये सब किया हुआ है. और अगर आपका एक ये यहाँ का समझिए आप कल गलती से गया टायर में. ओके. तो आप इस पर भी वापस से बांध सकते हैं. ओके. मल्टीपल ऑप्शन दे के रखे. एक्चुअली दिस बैग कैन बी टाइड अप इन मोर देन 8 डिफरेंट वेज एज पर द बाइक. हर किसी का हिसाब अलग रहता है. डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन ऑफ द बाइक. डिज़ाइन ऑफ द बाइक डिज़ाइन ऑफ द साइडल स्पेस. तो आपके दो बेल्ट तीन बेल्ट जो है आपके वो मोस्टली एक्स्ट्रा के तौर पे रहेंगे. अगर जब आपने पीछे पहले एक बेल्ट बांधा दूसरा जो है आगे का ऊपर बेल्ट में दो कर दिए. ओके. और बांधा दो जगह पे है और बेल्ट एक ही लगा है. बेल्ट एक ही लगा है. वही चीज़ यहाँ पे भी होगी. हाँ. ओके. या फिर आप इसको ऐसे भी बांध सकते हो. ये फुटपैक जो है यहाँ पे बराबर ये आप फुटपैक पे बांध दो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट ऑन द सैडल स्टे इटसेल्फ. ओके. मतलब अगर किसी के पास सैडल से नहीं है. हाँ. फॉर एग्जांपल तो ऐसे फुटपैक से. ओके. और फिर यहाँ पे आपका सारी गार्ड फुटपैक फुटपैक जो कुछ भी और रहेगा उसको और आपने जिस तरह से बांधा है उसको उसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को. बेल्ट का भी और बकल का भी. कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी भड़ास इस खिंचाई में निकाल लेते हैं तो हमें भी रेडी रहना पड़ता है. आपका बिल्कुल हिलेगा नहीं बैठ. तो बैठा इस तरह से है कि वो डिक्की की तरह ही लग रहा है. हाँ. पीपल कैन यूज इट फॉरएवर इटसेल्फ ऑन द बाइक. एक बार लगा दो निकाल लें. और एक चीज़ मुझे पूछ रही सर आप क्या हम इस बैग को क्योंकि ज़्यादातर बैग में ऐसे होता है कि वो पीछे की साइड से मतलब रोटेट नहीं कर सकते हम घुमा के ये पीछे का पार्ट आगे नहीं जा सकता. तो वो हो सकता है ये बैग के केस में. हाँ ये आप बोथ साइड आप यूज कर सकते हो. ओके. यूजुअली पीपल प्रिफर इट दिस वे. ओके. वो गाड़ी पे बैठने के बाद
हैंडल करने के लिए. तो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो रिफ्लेक्टर है वो पीछे की साइड का है. रिफ्लेक्टर दोनों साइड पे. दोनों साइड पे. ओके ओके. दोनों साइड पर लेकिन कंसीडर द प्लस साइड. प्लस साइड दोनों क्योंकि उनसे रिएक्ट यूज हो. ओके. इसको अगर वो थोड़ा अलग तरीके से यूज करना हो आप इसको उल्टा करके भी यूज कर सकते हो. डिपेंड ऑन द राइडर्स एंड पिनियन का कंफर्ट. पिनियन कंफर्ट राइडर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज योर एग्जॉस्ट. ओके ओके. ये उल्टा करके यूज करने का जो पढ़ना है ना वो हर बाइक पे एग्जॉस्ट को नजदीक जाता है कुछ भी था. राइट. अपसिंग एग्जॉस्ट इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल केटीएम एज वेल. उसको आप इस तरह से ले यूज करो. आपकी नॉर्मल स्ट्रेट एग्जॉस्ट वाली है जावा है रॉयल एनफील्ड है तो कोई दिक्कत है ही नहीं उनको. तो कैसे भी लगाओ तो एक्चुअली राइड मार्शल भी अच्छी बाइक है वैसे. हाँ लेकिन इट्स क्वाइट ह्यूज. राइट. ये इंटरसेप्टर वगैरह पे वो बाइक नहीं बैठेगा. बैठने को बैठेगा बट एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर है. सो इफ आई कैन शो यू नाउ. ये सैडल से हो या ना हो आपका इतना जो गैप है वो ये बैग लगाने के बाद रहेगा. मतलब सैडल स्टे को अगर बेस अगर कुछ सैडल स्टे को बेस नहीं रहता है कभी कभी. करेक्ट. या फिर सैडल से है ही नहीं किसी है ही नहीं. नहीं पर कुछ बाइक्स के लिए ये सैडल स्टे तो लगेगा ही. ओके. तो इतना जो आपका गैप है वो रहने वाला ये गैप रहने वाला है.